मामी क्या हुआ बेटा? ये अंगूठी फंस गई और ये अंगूठी पता है ना किसकी है? आपकी मम्मी की है। तो ये मैं चेक करने के लिए बस ऐसी पहन रही थी और ये अब फंस गई, खुल ही नहीं रही है। अभी मेरी हो गई। अभी मेरी हो गई। आप कुछ कहना चाहोगे? अरे ध्रो मेरे को आंसू दिख रहे हैं। साबुन लगा लो। साबुन रोक तो से। मामी खुल गई आपकी अंगूठी? फाइनली ओ निकल गई। दीदी की अमानत में दीदी को दे रही हूँ। तो इस तेल का कमाल है, देखो इस तेल का कमाल है। एजी क्या नाम है तेल का? एजी आयुर्वेदिक ब्यूटी। तो इस तेल का कमाल है अंगूठी खोलने में, इसने बहुत हेल्प की। तो दीदी की अमानत में दीदी को दे रही हूँ, वापस ले लो अपनी अंगूठी। अंगूठी पहनाई जा रही है। आप नहीं कह सकते कि आरती ने अंगूठी ले ली। संभाल लाया उसके लिए भी। मामी को ये ब्लॉग तो ज्यादा लंबा नहीं होंगे। पार्ट टू पार्ट टू तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि 40 रुपए में 50 गोलगप्पे मिले हैं, तो बहुत ही फायदे वाला सौदा हुआ। तो अभी हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि मतलब अगर टेस्ट अच्छा होगा तो हम अगेन फिर से लेके आएंगे। और सोया चाप बनाने के लिए, तंदूरी सोया चाप बनाने की तैयारी हो रही है अभी हमारी। हाँ वो तो बोल दिया, वो दिखा दिया मैंने। कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चाप उबाल के मैंने यहाँ पे इसको ठंडा कर लिया है, और इनको ये कंफ्यूजन हो रही है कि कम पड़ जाएगा। तो अभी एक पैकेट इसमें और भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि बाद में फिर मेरे को फिर ये सुनाएंगे कि मैंने मेरे कहने पे इन्होंने 1.5 किलो ही किया। तो अभी क्या करना है? ऑलवेज बिजी लड़की। 26 तो मेंबर ही होंगे हमारे घर में सब। चलो अब रख लो। सही है। चलो फिर रखो। तो ये है हमारे जीजा जी, जो कि अभी सोया चाप को स्टिक से निकाल रहे हैं। इसको हमने उबाल दिया था, अभी एक उबाल के आने के बाद इसको हम छान के ठंडा कर दिया, उसके बाद सारे स्टिक्स निकाल रहे हैं अभी जीजा जी। दोनों मिलके करो। दोनों मिलके। नहीं, ये कह रही है मैं अपने ससुराल में काम करती हूँ, तुम अपने ससुराल में काम करो। चलो आपके आपके हेल्प के लिए आपके अपने भाई को छोड़ रखा है इन्होंने। फादर्स सही बात है, आज फादर्स डे है भाई। हम फादर्स पता नहीं वीडियो कब पोस्ट करेंगे हम एडिट करके, लेकिन आज आपको हिंट दे देते कि ये हमने शूट फादर्स डे पे किया है। फादर्स से काम करें, मदर लोग आज। वैसे मैंने काम आज मैंने कुछ नहीं बनाया, वैसे भी सच में आज मैंने बनाया, बाहर से आया तो मेरे घर में आज भी खाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गर्व को, गर्व यहाँ पे बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, ये मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रहा है, बस इसको फोन सब देखेंगे फिर वीडियो में देखना। तो यहाँ पे हम थंबनेल की बातें कर रहे हैं कि जब हम वीडियो को एडिट करके जब वीडियो अपलोड करेंगे तो थंबनेल क्या लगाएंगे। तो अभी मेरी नंद ने एक आइडिया दिया है, दीदी बताना थंबनेल क्या लगाएंगे। वो अभी शर्मा रही है, पता नहीं क्या, ऑन कैमरा तो बोल ही नहीं पाती, ऑफ कैमरा बस वो बोलती रहती है। तो अभी उन्होंने एक हमें बताया था कि आपको ये लगाना है कैप्शन में, मेरी नंद काम चोर। नहीं अभी नहीं कर रही मेरी नंद कंजोर, वो मुझे आइडिया दे रही है। बच गई है तो कह रही मैं सुनने वाले ना। तो यहाँ पे मैं कुछ आपकी रेसिपी बता, सॉरी ये हम तंदूरी चाप बना रहे हैं। तो तंदूरी चाप को पहले हमने तो उबाल लिया, और उसके बाद इसको हम अभी छोटा कट कर रहे हैं इसको मैरिनेट के लिए ना। तो ये माइक में बहुत एंजॉय कर रही है।
सही में। कूड़े वाला भी नहीं आया सर, संडे है ना फ्रेंड्स। तो सोया चाप मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक डोंगा ले लिया है और इसमें अभी हम मिलाएंगे क्रीम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने एक बॉल में क्रीम निकाल लिया, क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना क्रीम ले सकते हो। तो हमने 2 किलो सोया चाप में हमने इतना क्रीम लिया है। अभी हम इसमें मिलाएंगे फ्रेश दही। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि तंदूरी चाप बनाने का ख्याल अचानक से कैसे आया मन में। तो मैं और दीदी, हम सब तो नीचे थे मम्मी के पास, तो हमें मेरे पास फ़ोन आता है कि हम बनाने वाले हैं अभी तंदूरी सोया चाप। तो क्योंकि मुझे तो बनाने आता नहीं था, तो मैंने तो कहा कि मुझे आती नहीं है बनाने, तो इन्होंने कहा कि जीजा जी बनाएंगे। मेरे हस्बैंड हैं और जो जीजा जी हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है दोनों की, तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। तो अब बनाना है तो बनाना ही है। हम तो ना कुछ बोल सकते थे ना कुछ कर सकते थे, तो इसलिए तंदूरी सोया चाप बन भी गया। दही के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा मैरिनेट करने के लिए। हमने अभी मार्केट से ही तंदूरी सोया चाप मसाला, मतलब हम लेके आए थे बाहर से ही, घर का हमने बहुत कम मसाला यूज़ किया है। तो बहुत ही ईजिली आपको जहाँ से पनीर डेयरी की दुकान होती है, आपको वहाँ से ये सब चीज़ें बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप बनाओ तो आप ये सब मसाले ज़रूर यूज़ करना। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अभी यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है जी ने। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें मिलाएंगे नमक, चाट मसाला। नमक मिलाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, जितना क्वांटिटी हो चाप का उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलाने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे तवा गरम कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है ये है बेसन का। तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन यहाँ पे भुना जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। और इसे भी हम जो सोया चाप मैरिनेट करेंगे, जो तंदूरी मसाला हम तैयार कर रहे हैं, तो ये भी उसमें ही मिक्स करना है। तो यहाँ हमने बेसन को मिक्स कर दिया है इसमें। तो आप जैसा कि देख सकते हो, इसी तरीके से हमें अच्छे से सबको मिक्स करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट है वो अभी डाल रहे हैं इसमें, एंड अभी थोड़ा सा फूड कलर मिक्स किया है। तो अदरक लहसुन पेस्ट और फूड कलर सबको हमें फिर से अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे जितने भी सोया चाप हमने अभी कट करके रख लिया था, तो अभी इसको सबको हम इसमें मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे हम 2 किलो सोया चाप का जो है वो तंदूरी सोया चाप बना रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए हम इसे 1 घंटा तक छोड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो बीच में आपको घंटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्मोकी फ्लेवर के लिए यहाँ पे अभी हमने कोयला को जो है वो गैस पे चढ़ा दिया है। तो 1 घंटे तक इसको हमें ऐसे ही रखना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कोयले को हमने किस तरीके से मतलब लाल कर दिया है, यहाँ पे लाल कर रहे हैं अभी हम इसे स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके का कोयला है, ये मार्केट में आपको बहुत ही ईजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिया जी एक फॉइल पेपर लिया है जिया जी ने। तो इसको हम जो है जो भी मैरिनेट करने के लिए सोया चाप रखा है, उसके बीच में आपने देखा होगा एक गड्ढा भी हमने किया हुआ है,
तो यहाँ पे उसको हम एक कटोरी के साइज में ऐसे बना के उसको हम बीच में मतलब इसको भी अभी रखेंगे। जो हमारा जो कोयला गर्म हो रहा है तो उसे हम ला के इस वॉल पेपर में रख देंगे। तो अभी यहाँ पे जिया जी ने मतलब बहुत अच्छा तरीका सिखाया है यहाँ पे, तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट टाइम जब जिया जी आएंगे तो मैं बना के खिलाऊंगी। तो जिया जी यहाँ पे अभी हमें सिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो रियली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कोयले को रखना है। तो यहाँ पे ढक्कन में एक छोटा सा तौलिया जिया जी ने लगा दिया है कि जो भी इसका जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो उसके अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हमें कपड़ा लेना है और ढक्कन में इस तरीके से लगा देना है, फिर उसके ऊपर से कुछ भारी चीज हमें रखना है। तो अभी कोयला गर्म हो रहा है, अच्छे से गर्म हो जाएगा जैसे ही, तो हम देखो जैसे कि आप देख रहे हो जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और फाइनली मैं अपने ब्लॉग में आ गई। तो इस कोयले को यहाँ पे रख देंगे जैसे कि देख रहे हो, और इसके ऊपर हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और इसको तुरंत ढक देना है और इसे हमें 1 घंटे तक रखना है और इसके ऊपर कुछ ऐसा भारी सामान रख देना है। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक गमला रख दिया था, तो थोड़ा मतलब जो हमें सामने दिखा हमने वही रख दिया। तो आप इसी तरीके से कोई भारी सामान रख सकते हो कि इसका जो फ्लेवर जो भी है धुएं का वो बाहर ना निकले। फॉल पेपर भी इसके ऊपर रख दो, 1 किलो का है। चल तुझे घर की टेंशन तो हुई, कुछ चल रहा है हमने आग लगा दी। क्या जल गया इसमें? बहुत कुछ चल गया इसमें। मतलब 1 घंटा पूरा रखना चाहिए इसको, जितनी देर रहेगा उतना बढ़िया। तो यहाँ पे हमने 1 घंटे के बाद ये ढक्कन हटा दिया और ढक्कन हटाते ही मतलब इतना स्मोकी फ्लेवर वाला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं सच बताऊँ मैंने तो वेट भी नहीं किया। मैंने जैसे से कहा जैसे एक मैं टेस्ट कर लूँ, तो जैसे ने कहा हाँ कर सकते हैं इसको, तो हम ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने किया तो रियली मेरे को इतना स्वाद लगा खाने में। अब नहीं, अगली बार कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से जिया जी सीख में इन सारे सोया चाप को तंदूर करने के लिए, क्योंकि हम गैस पे इसको भूनेंगे, तो इस तरीके से हमने सारे सीख में लगा दिया। तो सीख हमारे पास ही था, ये आपको बहुत ही इजीली आपको इसे लोहे वाली जो दुकान होती है मार्केट में हमारे, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि चाहो तो आप इसके बीच में प्याज शिमला मिर्च और ये सब चीज़ें भी मशरूम लगा सकते हो, तो उससे भी काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट आ जाता है। और अगर आप अलग से इसे बाद में भुनने के बाद अगर आप काटना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जिया जी कह रहे हैं कि आप चाहो तो इसे एक दिन पहले भी ये सब चीज़ें मैरिनेट करके रख सकते हो, इससे जो है इससे और ज़्यादा फ्लेवर आएगा इसके अंदर, जितना भी मतलब फ्लेवर होगा वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप एक दिन पहले भी इसे रख सकते हो फ्रिज में डाल के। तो यहाँ पे दीदी आ गई हैं और अब दीदी अपने तरीके से जैसा ही घर में भूनती हैं, तो एक बार दीदी हमें बता देंगी किस तरीके से इसको भूनना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें अभी बटर लगाएंगे यहाँ पे, और इसे बटर लगा के ही भूनना है। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है हरा धनिया और नींबू और मिर्च की चटनी,
बहुत ही स्वादिष्ट होती है चटनी। बहुत ही जल्द मैं आपको अगर आप बोलोगे तो इसकी रेसिपी डालूंगी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो तो भून भून के हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया इस तरीके से कांटे की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने सारा ही जितना भी सोया चाप था उसे हमने दूर कर लिया है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे हम मक्खन बटर डाल देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे यूज किया है अमूल बटर। अभी हमने जितना भी सोया चाप को अभी हमने जितना भी तंदूर करके अलग से निकाल दिया था भगोने में, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब अभी हम जो बना रहे हैं वो तंदूरी चाप बना रहे हैं और इसके बाद जो हम बनाएंगे वो होगा मलाई चाप। तो हम ये दोनों ही चाप बना रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हम तंदूरी चाप बना रहे हैं। इन सबको डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा चाट मसाला भी मिला सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो जैसा कि जिया जी ने बताया था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला यूज किया है इसमें और आप भी इस तरीके से आप इसमें मिला सकते हो, इससे थोड़ा फ्लेवर और अभी अच्छा आ जाता है। तो ऑलमोस्ट अभी हमारा ये बिल्कुल अच्छे से भून के तैयार है और हमारा तंदूरी जो चाप है वो बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसे खाने के लिए प्लेट में लगाएंगे। आप इसे बिल्कुल गरम गरम ही खाना, गरम गरम खाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठंडा होने के बाद ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप इसे फिर से गरम कर सकते हो लेकिन आप कोशिश करना कि आप इसे गरम गरम ही खाओ। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे अभी हम इसको थंबनेल बनाने के लिए अभी हम यहाँ पे सीख में इसको लगा रहे हैं और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सैलेड में टमाटर और प्याज दोनों ही काट लिया है। और रियली अगर मैं बताऊं तो जिया जी के हाथ में जादू है, उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया और जो उनका प्रेजेंटेशन है ना वो करने का तरीका वो सब चीज़ें जिया जी का बहुत ही अच्छा है। जिया जी सच में बहुत अच्छे भी हैं, जितने अच्छे इंसान है ना वो उतने अच्छे शेफ भी है। वैसे वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं लेकिन वो बोलते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता तो मैं शायद एक शेफ होता। तो जिया जी बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं जैसा कि आप देख रहे हो, सब जिया जी ही कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थंबनेल के लिए हमने अलग से निकाल लिया फोपे के निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी बच्चे हैं सब मतलब बाहर आ गए हैं खाने के लिए। तो अभी देखो सब टूट के पड़ेंगे इस पे। सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। थैंक यू सो मच जिया जी, आपने मुझे इतना अच्छा डिश बनाने के लिए सिखाया, तो थैंक यू सो मच अगेन। तो अभी यहाँ पे जो हमने थंबनेल के लिए जो प्लेट अभी सजाई थी वो हम प्लेट मम्मी को टेस्ट करने के लिए दीदी नीचे लेके जाती हैं और जब तक दीदी आती है ऊपर तो ये प्लेट खाली हो जाता है, तो फिर हम मतलब दोबारा भी बनाते हैं। लेकिन जब तक दीदी आती है सबको इतना टेस्टी लगा, बच्चों को तो इतना ज़्यादा मतलब इंजॉय किया इन लोगों ने सोया चाप। तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेट पूरी तरीके से खाली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट ये जो बनाया है हमने ये है मोहितो ड्रिंक। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक था। तो जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मुझे बोलोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हम इस ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ शेयर करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को फिर से वॉश कर लिया है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे मलाई चाप। तो सेम प्रोसेस होगा जिस तरीके से हमने किया है, बस इसमें हम मिक्स करेंगे क्रीम और मेयोनीज। तो उसको मिला के अभी हम इस बना देंगे इसको मलाई चाप। तो जैसा कि आपको अभी देखने को मिलेगा तो सेम इस तरीके से आप बना सकते हो।
तो फ्रेंड्स आपको होप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करना, मेरे लिए नहीं तो जिया जी की रेसिपी के लिए ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।